गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. सो एज यू नो अवर चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कंप्लीट नाउ. आई थिंक योर क्वेरी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम. ओके, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर. ओके, आर यू रेडी? यस मैम. ओके, सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज विद इंक्रीज इन प्राइस. अगर प्राइस बढ़ जाती है, there is no change in demand of the commodity due to the increase in price, there is no change in the quantity demand, this is called, is elasticity of demand ko kya kahenge? Perfectly elastic, unitary elastic, infinite or perfectly elastic? Kya bolenge? Perfectly inelastic, unitary, infinite or perfectly elastic? Kya kahenge? Perfectly elastic. When the price equals to zero. बिल्कुल, elasticity of demand equals to zero. क्योंकि कीमत के बढ़ने पे भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा. ओके? Yes, yes, ma'am. Okay, now the second one is due to the increase in price, in case of inelastic demand, what will be its effect on total expenditure? ध्यान देना, अगर प्राइस बढ़ रही है और इन इलास्टिक डिमांड है तो उस समय एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट होगा? अनचेंज होगा, जीरो होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज. नो, अनचेंज्ड. जीरो. अनचेंज्ड. जीरो. नो, इन इलास्टिक डिमांड है. इन सिचुएशन ऑफ इन इलास्टिक डिमांड योर कंजप्शन विल सेम रहेगी ना? कॉन्स्टेंट. बिल्कुल सही है, इट इज अनचेंज्ड. ओके, क्या आएगा? अनचेंज्ड. ठीक है ना? एक एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ. यहाँ पर देखिए, हमने एग्जाम्पल डिस्कस भी किया था. इफ द प्राइस इज 2 और इंक्रीज होकर 4 हो गई, अगर एक्सपेंडिचर आपका पहले भी 20 था और अभी भी 20 है, ठीक है, then it is elasticity of demand is inelastic, that is zero. ठीक है? क्योंकि कीमत के बढ़ने से भी आपके एक्सपेंडिचर कैसा है? अनचेंज्ड है. नाउ इट इज क्लियर? बेटा क्या देखो, आप क्वेश्चन दोबारा देखिए. ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस, अगर कीमत के बढ़ने से भी आपका जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक, देयर इज नो चेंज, ठीक है, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर? आपकी डिमांड इनइलास्टिक है. चलो अपन डिस्कस कर लेते, ये तो समझ में आ गया, अनचेंज है. ठीक है? यस मैम. ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय ज्योमेट्रिक मेथड. विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज इन ज्योमेट्रिक मेथड? ज्योमेट्रिक मेथड में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं आप? लोअर सेगमेंट लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. वेरी गुड. लोअर सेक्टर सेक्टर ऑफ द डिमांड कर्व, सेगमेंट भी बोल सकते हैं, एंड अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व. ठीक है? या फिर अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, या चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, पी अपॉन क्यू, या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू और पी अपॉन क्यू. कौन सा यूज करेंगे? तो फर्स्ट इज राइट, ए वाला, ए इज द करेक्ट वन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ प्राइस ऑफ समोसा इंक्रीजेस बाय 10%. ठीक है, अगर समोसे की प्राइस कितनी बढ़ गई है? 10% इंक्रीज हो गई है, एंड इट्स डिमांड डिक्रीजेस टू 10, डिमांड भी क्या हो गई? 10% डिक्रीज. कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इज इट इक्वल टू यूनिटरी? इज इट जीरो इनइलास्टिक? इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू यूनिटरी? और इट इज यूनिटरी. क्या होगा? इक्वल टू यूनिटरी, बिकॉज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज जस्ट इक्वल टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. क्योंकि 10% ही प्राइजेस में चेंज है और 10% ही क्वांटिटी इज चेंज. क्लियर? यस मैम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट पी इन द इन पॉइंट मेथड विल बी. अगर हम पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इज इट हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक,
इट इज हाईली इलास्टिक. कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर, कौन सा पॉइंट? बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा आपका पी बी अपॉन पी ए, यानी लोअर सेगमेंट ऑफ द पॉइंट एंड अपर सेगमेंट ऑफ द पॉइंट. ठीक है, तो यू आर जस्ट सीइंग कि द पोर्शन ऑफ पी बी इज लार्ज देन द अपर पोर्शन. ओके, दैट्स व्हाई द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन वन. नाउ इट इज क्लियर? यस मैम. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इफ अ गुड इज लग्जरी, अगर आपकी गुड लग्जरी है, इट्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? पॉजिटिव होगी एंड लेस देन वन होगी, नेगेटिव होगी बट ग्रेटर देन वन होगी, पॉजिटिव होगी लेकिन ग्रेटर देन वन होगी, या जीरो. इफ गुड्स आर पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन वन, बिल्कुल दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि एज यू इनकम इंक्रीजेस यू परचेज मोर एंड ग्रेटर देन वन. जरा सा पी प्राइसेस में चेंज हुआ, यू हैव टू परचेज लग्जीरियस गुड्स मोर. वेरी गुड. द नेक्स्ट इज the price of burger increased by 22% and the quantity of demand burger falls. price badhi 22% lekin iski jo demand hai wo 25% kam ho gayi hai. the indicates the demand of burger is, it is elastic, inelastic, unitary elastic, perfectly elastic. inelastic. elastic. it is inelastic nahi hoga, elastic. क्या होगा? इट इज इलास्टिक. कौन सा इलास्टिक हो गया? ओनली इलास्टिक ही दे रखा है, क्योंकि 22% प्राइस बढ़े हैं लेकिन 25% डिक्रीज हो गया है, तो मोर देन है, लेकिन यहां मोर देन का नहीं दे रखा, तो इट इज इलास्टिक. ओके, नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ एडिबल ऑयल इंक्रीज बाय 5%. एडिबल ऑयल की प्राइस बढ़ गई है, डिमांड बढ़ी है 5%. व्हेन इट्स प्राइस of ghee increased by 20%. These are कैसे goods हो गई है दोनों, edible oil और ghee? Substitute goods. ये बात ध्यान रखना. The cross price elasticity of demand between edible oil and ghee, इन दोनों में कैसा रहेगा अगर हम इसका निकाले portion? ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, solve करना पड़ेगा. कैसे? इसने कहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, द क्वांटिटी डिमांड, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एडिबल ऑयल इंक्रीजेस बाय 5%, जो ऑयल की कीमत बढ़ी है, प्राइस बढ़ी है, वो 5% इंक्रीज हुई है. ठीक है, और जो घी है, ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ घी इंक्रीजेस बाय 20%, ये डिमांड, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी है ये किसकी, ऑयल की, और घी की प्राइस दे रखी है उसने 20% इंक्रीज हुई है. ठीक है, अब द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द एडिबल ऑयल एंड द घी, इन दोनों में कितना चेंजेस है, तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर क्वांटिटी चेंजेस आएगा 5% और नीचे 20%, 0.25. ठीक है, 0.25. ओके, दिस इज ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज गिवन द फोर पॉसिबिलिटीज, चार संभावना दे रखी है, विच वन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर, ये कंडीशन दे रखी है कि कब टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. सबसे पहला, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक एंड प्राइस फॉल, जब कीमत घटे और डिमांड आपकी यूनिटरी इलास्टिक है, यानी इक्वल्स टू वन. डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, डिमांड आपकी इलास्टिक है, कीमतें बढ़ गई हैं. डिमांड इज इन इलास्टिक, कोई चेंज नहीं है, एंड द प्राइस फॉल्स. डिमांड इज इन इलास्टिक एंड द प्राइस राइजेस, कौन सी कंडीशन सही होगी? एन इंक्रीज इन टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कब बढ़ेगा, जब डिमांड इलास्टिक है और आपकी प्राइस क्या हो रही है, राइजेस हो. ठीक है,
बी वाला है नंबर, वो तो इक्वल होगा ना, कैसे डिमांड इज इलास्टिक नहीं, व्हेन प्राइस इज फॉल आपका एक्सपेंडिचर कब बढ़ेगा, व्हेन योर टोटल एक्सपेंडिचर, जब कीमत कम हो रही है और डिमांड चेंजेबल है, ठीक है। आपने राइट बोला ना बेटा, क्या बोला आपने, राइज बोला ना, प्राइस राइजेस वाला। हाँ, डिमांड इज इनलास्टिक एंड द प्राइस राइजेस, टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, लेकिन यहाँ तो डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, प्राइस राइजेस। इसमें समझाया था मैं आपने कि इसमें बढ़ता है टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। एक मिनट देखो आप, अगर आप कह रहे हो कि फोर्थ ऑप्शन है ना, डिमांड इज इन इलास्टिक है ना, और प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, पहले भी आप 10 क्वांटिटी खरीदते थे और अब भी 10 क्वांटिटी खरीदते हैं, ठीक है। कितना हो गया एक्सपेंडिचर, सही है, यस मैम। तो यही ऑप्शन होगा, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, ओके। यस मैम, नेक्स्ट देखिए, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो रेस्पॉन्स करती है किसको, प्राइस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस, प्राइस टू चेंज इन इनकम, क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम, किसमें होता है रेस्पॉन्स, किसको करती है, प्राइस को, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड टू, क्योंकि यहां पर क्या दे, क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन प्राइस, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, यस मैम, प्राइस टू चेंज टू, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, सपोज द प्राइस ऑफ धर्मसी एट अ थिएटर राइजेस फ्रॉम 120 पर पर्सन, ठीक है। यहां पर एक ड्रामा है, ठीक है, उसकी प्राइजेस दे रखी है यहाँ पर, सीन एट द थिएटर राइजेस 120 पर पर्सन, हर व्यक्ति पे कितना बढ़ गया है, 120 टू 200 पर पर्सन, 120 से कितना हो गया, 200, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए प्राइजेस दे रखी है, पहले कितनी थी 120 और राइजेस होकर कितनी हो गई, 200, ठीक है, yes, ma'am. आगे देखिए, द थिएटर मैनेजर ऑब्जर्व दैट द राइज इन प्राइस कॉज अटेंडेंस एट द गिवन मूवी टू फॉल 300% टू 200, ठीक है। जब 120 था तो क्वांटिटी कितनी थी, 300, और फॉल होके कितनी हो गई, 200, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द मूवी, ओके। नाउ फॉर्मूला लगाएंगे, ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P into P upon Q, ठीक है, yes, ma'am. अब डेल्टा Q कितना है आपका, 100, डेल्टा P कितना है, 60, 80, है ना, और प्राइस कितनी है, 120, और क्वांटिटी कितनी है, 300, ठीक है। जीरो से जीरो गया, 10 से 10 गया, 3 4 12 और 4 2 8, तो 1/2, 5, ठीक है। ये आ गया आपका 1.5 आ गया, 0.5, ठीक है, आ गया ना, 1/2 हो गया, नहीं पॉइंट लगाया तो 10 हो गया, तो ये 5 हो गया, तो 0.5, ओके, यस मैम, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, यस यस, ओके। नेक्स्ट देखिए, इफ द लोकल स्वीट हाउस रेज द प्राइस ऑफ सोन पापड़ी फ्रॉम 60 to 100, यहां भी हम लिख लेते हैं, हमें दे रखा है प्राइस और क्वांटिटी ले लेंगे, प्राइसेस दे रखा है 60 से इंक्रीज होकर 100 हो गया, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड फॉल्स फ्रॉम 100 स्वीट्स टू अ नाइट टू 700 टू 100 स्वीट्स अ नाइट, ठीक है, यहाँ 700 से हो गई है 100, द प्राइस
elasticity of demand for the sweet is, formula लगाएंगे, AD equals to delta Q upon. तो इससे पहले आपने मैं दो क्वेश्चन और दे देते ना मैं. हाँ? इससे पहले? मैं इससे बंद कर रही. अच्छा लेफ्ट हो गया, कोई बात नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना. delta Q okay. upon delta P into P upon Q. ठीक है? अब क्वांटिटी में कितना चेंज है? 600 और प्राइजेस में कितना चेंज है? 40 का. प्राइस कितनी है? 60 एंड 700. ओके, कट गया ये, जीरो से जीरो गई. ठीक है, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, दैट इज 9/7. ओके, सो इट इज 1. कितना बच गया? 1.28 आ रहा है वहां से. ओके, 1.28. हम इसमें 1.5 के अलावा इसमें कोई शॉर्ट ही नहीं है. अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है तो ना. 1.5 वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1. ओके, कोई दिक्कत नहीं, मोर देन 1 तो है. ठीक है, ओके. Yes. चलो, बीच में कौन सा क्वेश्चन छूट गया था? पहला प्रीवियस कौन सा छूट गया था? सेवेंथ. यस मैम. सपोज अ शॉप हैज सेल ऑन सिल्वर वेयर, इफ द प्राइस ऑफ सिल्वर इयररिंग्स इज रिड्यूस फ्रॉम 300 to 200. अब यहां पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को. हमें दे रखा है प्राइस और क्वांटिटी. प्राइसेस हैं 300 से रिड्यूस होकर 200 हो गए हैं. ठीक है, और एंड द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 3000 to 5000. और जो क्वांटिटी डिमांड है वो 3000 से बढ़कर 5000 इयररिंग्स की हो गई. ठीक है, और व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अब देखिए फॉर्मूला लगाया, ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. डेल्टा क्यू कितना बेटा? 2000. प्राइस में कितना चेंज है? 100. इनिशियल प्राइस 300. इनिशियल क्वांटिटी 3000. 3000. ठीक है, काट दिया इसको, इसे भी. कितना हो गया? 6. 2 आएगा. हाँ, 2 आएगा ना मैम. 2 3 से 3 काट दो और 2 आ जाएगा. ठीक है, हाँ ठीक है. तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई? मोर देन 1 हो गई. हो सकता है इसके ऑप्शन में कोई गड़बड़. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 10th क्वेश्चन देखिए, इफ इलास्टिसिटी डिमांड इज इन इलास्टिक. अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है, ठीक है, इलास्टिक मीन्स, इन इलास्टिक मीन्स एडी इक्वल्स टू जीरो. क्या है? इन इलास्टिक. एंड द इलेक्ट्रिक रेट्स इंक्रीजेस, और उस समय क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स इंक्रीज हो गई. विच ऑफ द फॉलिंग इज लाइकली टू ऑकर? क्या सिचुएशन होगी? क्वांटिटी डिमांड विल फॉल बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट. क्या क्वांटिटी डिमांड फॉल होगी? क्वांटिटी डिमांड विल फॉल बाय रिलेटिव स्मॉल अमाउंट. क्वांटिटी डिमांड विल राइज इन शॉर्ट रन बट फॉल इन लॉन्ग रन. क्वांटिटी डिमांड फॉल इन शॉर्ट रन बट राइज इन लॉन्ग रन. इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है. ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक रेट्स बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में क्या स्थिति रहेगी बताइए? बिल्कुल, क्वांटिटी डिमांड विल फॉल, घट सकती है, लेकिन रिलेटिवली बहुत स्मॉल अमाउंट में, विच इज स्मॉल नोटिस्ड, बहुत कम चेंज पाया जाएगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है. सपोज द डिमांड फॉर द ट्यूलिप्स थाली एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक. इज इलास्टिक इफ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग रेजिंग द प्राइस
ठीक है, उसने क्या कहा कि जो थाली है ड्यूलेक्स थाली है वो कैसी है, इलास्टिक है, उसमें चेंज आता है, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं इट कैन एक्सपेक्ट एंड रिलेटिवली क्या इफेक्ट आएगा, लार्ज फॉलिंग मैम इलास्टिक मींस यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक मतलब चेंज होती रहती है प्राइसेस। हाँ, क्योंकि क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि चेंज होती है डिमांड, डिमांड चेंज होती है अगर प्राइस में चेंज किया जाए, तो अगर कीमत बढ़ा दी गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, डिक्रीज, डिक्रीज कैसे डिक्रीज, लार्ज, सो लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट इलस्ट्रेटिव इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, पॉइंट इलस्ट्रेटिव मेथड का हम जब यूज करते हैं वो किन सिचुएशन में सक्सेसफुल है, द बुक शॉप स्टोर इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ द नोटबुक्स, अ रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग द प्राइस ऑफ इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव डिशेज बाय 50%, एंड ऑटो प्रोड्यूसर इज इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन द रेस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स टू द प्राइस ऑफ कार बींग लोअर्ड बाय 100, नन ऑफ दीज। बी मैम, कौन सा बी मैम, सी वाला। ऑटो प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन द रेस्पॉन्स टू कंज्यूमर द प्राइस ऑफ लोअरिंग द, मैम पॉइंट वाले में तो वो होता ही नहीं है ना, बिल्कुल, सो नन ऑफ दीज। पॉइंट मेथड में हम क्या यूज करते हैं, वी जस्ट यूज द ग्राफिकल मेथड, है ना, उसमें ज्योमेट्रिक मेथड यूज करते हैं, सो यू डोंट यूज द न्यूमेरिकल फैक्ट्स, है ना, सो हम क्या कहेंगे, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल फैक्ट्स यूज नहीं करने हैं, ओके, यस मैम, ठीक है, यस मैम, यहां तक क्लियर हो गया, आप इसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, यू जस्ट राइट डाउन द आंसर्स इन योर कॉपी, ओके, आज हम इतना ही करेंगे, ओके, हैव अ नाइस डे बेटा, नाइस डे मैम, थैंक यू, नाइस डे मैम, थैंक यू।